मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में मंजू गोयल पत्नी रमाकांत गोयल निवासी लाल कोठी के पास फिजिकल शिवपुरी अपने पति के साथ साइकिल पर बैठकर पहुंची। आवेदन के माध्यम से मंजू ने बताया कि वह दोनों पैरों से विकलांग है तथा उसके हाथ का साइज भी बढ़ गया है। विकलांग होने के कारण उसे आने जाने व अन्य कार्यों के लिए काफी परेशान होना पड़ता है, इसलिए उसे एक इलेक्ट्रिक साइकिल दिला दी जाए जिससे उसे परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही उसके हाथ का साइज भी बढ़ गया और उसका इलाज होना है इसलिए, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह इलाज कराने में सक्षम नहीं है, इसलिए उसकी आर्थिक मदद भी शासन के द्वारा की जाए। मंजू गोयल। मंजू जी कहाँ से आए हो? शिवपुरी से। जनसुनवाई आई थी, आप क्या समस्या लेके आई थी? जनसुनवाई में एक तो साइकिल की समस्या लेके आए हैं और दूसरी जो पैसों की व्यवस्था नहीं है तो हमें छल्ले डलेंगे, तो उसके लिए व्यवस्था नहीं है, तो सर से कुछ मदद मिल जाए। आपके पास आयुष्मान कार्ड है? आयुष्मान कार्ड है तो उससे तो कहीं भी फ्री में इलाज हो जाए। फ्री में सरकारी में मशीनें खराब पड़ी हैं और प्राइवेट में पैसे लग रहे हैं, प्राइवेट में फ्री नहीं, में कोई आयुष्मान कार्ड नहीं ले रहे। तो आप कहाँ पे गए थे? अभी ग्वालियर गए थे हम, तो सरकारी हॉस्पिटल में बोला कि मशीनें खराब हैं, प्राइवेट में जाओ, तो प्राइवेट में एंडोस्कोपी कराई थी तो इधर उधर से 2000 रुपये लेके एंडोस्कोपी करवाई थी, अब 6000 रुपये का खर्चा बता रहे हैं आंतों में छल्ले डालने के लिए, तो वो व्यवस्था नहीं हो पा रही हमारी।